तीसरा दिन है आज लड़ाई का इसराइल और हमास के बीच और काफी टेंशन है। आज जब हमारी फ्लाइट लैंड हुई तो हमने देखा बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पे मौजूद थे, उनमें से ज्यादातर या तो पत्रकार थे हमारी तरह जो कवर करने आए थे दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इसराइल की ये लड़ाई, या फिर ऐसे इसराइली सिटीजन्स थे, इसराइली नागरिक थे जो उनकी रिजर्व फोर्स में है और अब उनका देश एक युद्ध लड़ रहा है, तो वो अपना कंट्रीब्यूशन देने आए थे, वो रिजर्विस्ट, वो पहले सोल्जर्स सैनिक रह चुके थे इजरायली फोर्सेस में और अब वो ये लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। तो एयरपोर्ट पे काफी भीड़ थी, जब हम निकल रहे थे उस समय सायरन्स की आवाज गूंजने लगी और हमने आईडीएफ का एक यहां पे एक ऐप है जिससे लोगों को बताया जाता है कि किस समय उन पे हमला हो रहा है, तो सायरन बजते हैं और आप उस ऐप पे देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जहां आपको नहीं जाना है। तो उस समय सायरन की आवाज गूंजने लगी, सभी लोग एयरपोर्ट से वापस अंदर गए। एयरपोर्ट पे अलग अलग जगह पे इन्होंने बॉम्ब शेल्टर्स बनाए हैं, बहुत सारे वहां पे पोस्टर्स लगे हैं कि किस तरफ आपको जाना है अगर हमला होता है। तो आप समझ सकते हैं कितना टेंशन का माहौल था, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, सभी तरह के लोग थे वहां पे। सड़कों पे हम थोड़ी गाड़ियां देख रहे हैं, पर क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये लड़ाई का वक्त है तो काफी टेंशन है। और पिछले तीन दिनों में इस जंग में 1100 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है, जिसमें से 700 से ज्यादा इसराइल के हैं। एक म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था गाजा पट्टी के बॉर्डर पे इसराइली एक गांव में, वहीं पे 250 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आई है। तो काफी टेंशन का माहौल है। इसके अलावा जो बंधक बना लिए गए हैं इजरायली लोग, 100 से ज्यादा बंधक, 130 कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 130 बंधक हैं गाजा में इस समय। इजरायल गाजा में 800 जगहों पे हमला कर चुका है, पर यह हमला इसलिए कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्योंकि इजरायल के अपने लोग वहां अलग अलग जगहों पे मौजूद हैं और कोशिश ये है उनकी कि अपने नागरिक ना उस क्रॉस फायर में आए। तो इसराइल की गवर्नमेंट ने आज एक एक इमरजेंसी मीटिंग हुई थी आज सरकार और विपक्ष के बीच ये चर्चा करने के लिए कि कैसे एक इमरजेंसी वॉर कैबिनेट बनाई जाए। इसके अलावा इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर का एक बयान आया है और उन्होंने गाजा की पूरी तरह घेराबंदी करने का ऐलान किया है। उनका स्टेटमेंट मैं आपको कोट बता सकती हूं, देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, देर इज नो फूड, देर इज नो वाटर, देर इज नो फ्यूल, ना बिजली है, ना पानी है, ना खाना है, ना ईंधन है। ये स्थिति वो गाजा की इस वक्त करना चाहते हैं। तो पूरे फोर्स के साथ इसराइल गाजा पे इस वक्त हमला कर रहा है और हमास के टारगेट्स को स्ट्राइक कर रहा है, पर ये इसलिए कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्योंकि इसराइल के अपने लोग भी गाजा में बंधक बने हुए हैं 130 से ज्यादा। ये सिर्फ इजरायली नागरिक नहीं है, अमरीकी भी हैं और मरने वालों में अमरीकी हैं, फ्रेंच नागरिक हैं, नेपाली भी कुछ लोग हैं। तो ये इसराइल का कहना है कि ये उनका 9/11 अटैक जैसा है, जैसा अमरीका में सन 2000 में हुआ था 9/11 अटैक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। इसराइल कहता है कि ये उनका 9/11 अटैक है और वो अपनी पूरी ताकत लगा के हमास को बदला देंगे। इस वक्त जिस तरह का माहौल है और जिस स्केल का जो अटैक हुआ है, 700 इसराइली लोगों की जान जा चुकी है, कई और लोग घायल हैं, तो ये डेथ टोल और बढ़ सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इसराइली सरकार किसी भी तरह की डील करने के मूड में है। डील का वक्त निकल चुका है, अभी वो कहते हैं कि दे आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, दे आर फाइटिंग अ वॉर, और वो इजरायली टारगेट्स को स्ट्राइक करेंगे, सिर्फ गाजन टारगेट्स को स्ट्राइक करेंगे। और सिर्फ गाजा में नहीं, ये लड़ाई लेबनान के बॉर्डर पे भी बढ़ सकती है क्योंकि लेबनान में जो ग्रुप है हिजबुल्ला, जिसको ईरान का समर्थन है, उस ग्रुप की तरफ से भी हमास को काफी साथ मिल रहा है और कुछ अटैक्स की वहां से भी खबरें आई हैं। तो दिस वॉर कैन स्पिल बियॉन्ड गाजा, ऐसा इस वक्त माना जा रहा है कि ये बढ़ सकता है। डील के बारे में इस वक्त कोई चर्चा ऐसी नहीं आई है, हालांकि इजिप्ट जैसे जो देश हैं जो ट्रेडिशनली डील कराते आए हैं हमास और इसराइल के बीच में, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं।